आज एलविस यादव के पास वो सब कुछ है जो एक मिडिल क्लास लड़का का सपना होता है, लग्जरी घर, दो तीन स्पोर्ट्स कार और मोटा पैसा। इन सब चीजों को देखकर मन में सिर्फ एक ही सवाल उठता है, कैसे एलविस यादव ने इतना सारा पैसा कमाया और क्या है उनके सोर्स ऑफ इनकम। जब मैं इस पे रिसर्च कर रहा था तो मुझे एलविस यादव के बारे में कुछ ऐसा पता चला जिससे मेरा दिमाग घूम गया। ये मैं आपको वीडियो के लास्ट में बताऊंगा, पहले इनकम सोर्स देख लेते हैं। नंबर वन, यूट्यूब पे इनके तीन चैनल हैं जिनमें से सिर्फ दो चैनल से पर मंथ ऑन एन एवरेज 25 लाख की रेवेन्यू करते हैं। नंबर टू, एलविस यादव सिर्फ एक ब्रांड डील का 25 लाख रुपए चार्ज करते हैं, वो भी सिर्फ एक रील का। और ब्रांड स्पॉन्सरशिप महीने के अगर 4 से 5 भी कर रहे हैं तो वो हर मंथ 1 करोड़ प्लस की रेवेन्यू कर रहे हैं। नंबर थ्री, एलग्रो। बेसिकली ये एक टेलीग्राम चैनल था जहाँ पर वो स्टॉक रिलेटेड टिप्स देते थे, बट सेबी की नई रेगुलेशन की वजह से उन्होंने ये टिप्स वाला धंधा बंद कर दिया क्योंकि ये सब इलीगल था, लेकिन तब तक उन्होंने यहाँ से भी करोड़ों रुपए छाप चुके थे। नंबर फोर, सिस्टम क्लोथिंग। ये बिजनेस एलविस यादव किसी लेडी के साथ 50-50% की पार्टनरशिप पे चला रहे हैं जहाँ से ये ऑन एन एवरेज पर मंथ 80 लाख की रेवेन्यू कर रहे हैं। नंबर फाइव, एलविस यादव राघव शर्मा के साथ मिलकर एक और बिजनेस स्टार्ट किया और वो था प्ले DMF हरियाणवी। बट द शॉकिंग पार्ट इज दैट एलविस यादव इन सारे ब्रांड का सिर्फ एक चेहरा है, उनके नाम पर इनमें से कोई भी कंपनी रजिस्टर नहीं है। सिर्फ एक एनजीओ के अलावा, एनजीओ समाज सेवा के अलावा आपका काफी काम कर सकता है।